Assalamu alaikum. How are you, my students? Are you are fine? Okay. Today I am going to teach you your second essay, which is a national hero. अच्छा बेटा, मैंने क्लास में बताया था कि ये आपको इस तरह से भी आ सकता है, नेशनल हीरो, या आपको आ सकता है योर फेमस पर्सनालिटी, फेमस पर्सनालिटी, या इसका टाइटल कुछ चेंज भी हो सकता है, योर नेशनल हीरो, फेमस पर्सनालिटी, या अ पर्सन आई लाइक, अ पर्सन आई लाइक, या और बहुत सारे तरीकों से ये ऐसे आपको आ सकता है। तो बेटा, मैंने आपको क्लास में बताया था कि बजाय इसके किसी आप और का नाम लिखें, तो आप लोगों ने अब्दुस्तार ईदी, जो कि आपका लेसन भी है, उसके बारे में चंद एक बातें लिख लेनी है, और ये आपका ऐसे भी हो जाएगा और आपका लेसन भी तैयार हो जाएगा और आपके क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो जाएंगे। तो आप लोगों को मैंने निशान भी लगवाया था, प्लस मैंने बताया भी था कि अब्दुस्तार ईदी के बारे में आप लोगों ने लिखना है। अब्दुस्तार ईदी, चले जी हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। अब्दुस्तार अब्दुल एस टी ए आर अब्दुस्तार, अच्छा ये इसमें डबल टी होता है, ठीक है, चलिए इसको दोबारा लिख लेते हैं जी। एस ए डबल टी ए आर सितार ईदी, ई डी एच आई अब्दुस्तार ईदी, वाज अ फेमस, अब्दुस्तार ईदी वाज अ फेमस सोशल वर्कर। अच्छा, ये इस तरह से भी आ सकता है, फेमस सोशल वर्कर, ठीक है, आपके ऐसे का नाम ये भी हो सकता है। अब्दुस्तार ईदी वाज फेमस सोशल वर्कर, हु डेडिकेटेड हिज एंटायर लाइफ, who dedicated his entire life to the love of humanity, insaniyat, humanity, to the love of humanity, jinhone insaniyat ke liye, ये जो एल्बम ए आता है यहाँ पे, ह्यूमैनिटी, हु डेडिकेटेड हिज एंटायर लाइफ टू द लव ऑफ ह्यूमैनिटी, ही वाज द फाउंडर, ही वाज द फाउंडर, एफ ओ यू एन डी ई आर, फाउंडर एंड head of the EDI foundation, अच्छा ये F capital लिख ली, अब तो सारी जी ये फर्म का नाम है तो इसका F capital हो जाएगा। He was the founder and head of EDI foundation, a non-profit social welfare, non-profit social welfare का मतलब क्या होता है जी? जी welfare, लोगों की फलाह का काम करने वाले, welfare, F A R E, fair organization,
वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बच्चों को समझ आ गई। ईदी एंड हिज वाइफ, मैंने आपको इसके वाइफ का नाम बताया था ना, क्या था? बल्कीस बेगम जी, याद है सबको जी? वाइफ बल्कीस, BILBLQUIS, एंड हिज वाइफ बल्कीस। अच्छा, बेगम नहीं बल्कि ईदी, बल्कीस ईदी। सेव्ड SAVED, सेव्ड थाउजेंड THOUSANDS, थाउजेंड्स ऑफ इन्फेंट्स, FANTS, फैंस। नौमौलूद बच्चे, छोटे जो पैदा होते ही जो इब्तदाई जो एज होती है उसे इन्फेंट कहते हैं। चिल्ड्रन, बच्चों की जाने बचाएं, ये जो बड़े हो जाते हैं थोड़े से 7-8 साल के, उन्हें चिल्ड्रन कहते हैं। वुमेन, वुमेन तो आपको पता ही है ना, नहीं पता तो पता लग जाएगा। एंड विक्टम, एंड विक्टम्स ड्यूरिंग डिजास्टर कुदरती आफात को कहते हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से कभी जलजला आ जाता है, कभी सैलाब आ जाता है, कभी कोरोना आ जाता है, तो ये डिजास्टर्स होते हैं। ठीक है, आफात होती है, कुदरती आफात, जिसका इंसान नहीं बल्कि सोर्स और होते हैं। विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड, एंड FROAD abroad। तो बेटा इतना ही काफ़ी है, मैंने यही आपको एक पैराग्राफ ही बताया था, ये आप लोगों ने लिख लेना है। ये आपका सेकेंड ऐसे है। अब्दुल सारिदी वाज अ फेमस सोशल वर्कर हु डेडिकेटेड हिज इंटायर लाइफ टू द लव फॉर ह्यूमैनिटी। ही वाज द फाउंडर एंड हेड ऑफ द ईदी फाउंडेशन, अ नॉन प्रॉफिटेबल सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। ईदी एंड हिज वाइफ बल्कीस ईदी सेव थाउजेंड ऑफ इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, वुमेन एंड विक्टम्स ड्यूरिंग डिजास्टर्स विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड। जिन्होंने, जब कभी कोई कुदरती आफात आती है, तो जिन्होंने बच्चों के, खवातीन की और जख्मियों की, कई लोगों की जो इसका शिकार हो जाते थे, उनकी कई लोगों की जानें बचाई, अपने मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी। तो बेटा ये आपका ऐसे है, ये आपका सेकंड ऐसे है, और ये आप लोगों ने तैयार करना है और इसका आप लोगों ने टेस्ट देना है, ये आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो बेटा मेरी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।